आमिर, साल भर में आपकी सिर्फ एक फिल्म आती है जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक फिल्म से आप संतुष्ट हैं? जी, बहुत खुश हूँ मैं कि फिल्में चली हैं, लोगों को पसंद आई हैं, इसे खुशी होगी। आपको क्या लगता है कि गुलाम फिल्म आती क्या खंडाला की वजह से हिट हुई? ज़रूर इस गाने का बहुत हाथ था इस फिल्म के चलने में। बहुत ही अच्छा गाना था, नितिन ने ये गाना लिखा और कंपोज किया, बहुत ही अच्छा गाना था जो हमें इस फिल्म में बहुत अच्छा फिट भी हुआ, और ज़रूर उसने इस फिल्म की कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ प्ले किया है। लेकिन सिर्फ एक गाने पे मुझे लगता नहीं फिल्म चलती है। फिल्म में और कई चीज़ें थी, फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने बहुत अच्छा काम किया था, राइटर अंजुम रजब अली ने बहुत अच्छा काम किया था, सारे एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया, एंड आई थिंक ऑन द होल फिल्म वर्क। क्या अब हर फिल्म में आपको गाना गाने के लिए कहा जाता है? नहीं, मैं मुझे लगता नहीं आइंदा मैं कोई फिल्म में गाना गाऊंगा। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि मैं जो एक फीलिंग लोगों में पैदा हो गई है कि मैं अच्छा गाता हूँ, उसे मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। तो इज्जत इसी में है कि मैं आगे ना गाऊँ, और इसके अलावा आई मीन अनलेस फिल्म की ख़ास रिक्वायरमेंट हो कि मुझे अपनी आवाज़ में गाना चाहिए, अनलेस दैट इज़ द केस आई वॉन्ट सिंग। आमिर, आप एक परफेक्शनिस्ट हैं, तो क्या सरफरोश की शूटिंग के दौरान आपने नसीर साहब से एक्टिंग पे कोई टिप्स लिए? क्या आप लोग एक्टिंग डिस्कस किया करते थे? नहीं, डिस्कशन तो कोई नहीं होती थी। नसीर जी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, और ही इज़ आई थिंक वन ईजिली वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स दैट आई वर्क्ड विद एंड हु आई हैव सीन ऑन स्क्रीन, इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। और तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे उनके साथ काम करके। आमिर, फिल्म सरफरोश में आपका कैसा रोल है? हाँ, अलग हटके है मेरा कैरेक्टर इस फिल्म में, पिछली 4-5 फिल्मों से बहुत ही अलग हटके है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड द कैरेक्टर इज एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, मिडिल क्लास फैमिली का है, और उसके अंदर जो भावनाएं हैं वो स्ट्रांग हैं। मैं आपने पहली बार एक इंटरनेशनल फिल्म मेकर के साथ काम किया, कैसा लगा? अर्थ 1947 जिसका नाम जो अब 1947 है, इट्स अ फिल्म ऑन द पार्टीशन, इट्स अ फिल्म, इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन अ बुक, एक किताब पर है जिसका नाम है आइस कैंडी मैन, और इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, इट्स हैंडल्ड ऑल्सो वेरी सेंसिटिवली, एंड पार्टीशन पे कई फिल्में बनी हैं, और आमतौर पे पार्टीशन पे जो फिल्में बनी हैं वो पार्टीशन के बारे में हैं कि पार्टीशन के दौरान यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर ये हुआ, फलाना ढमका। एक्चुअली ये फिल्म, इट डजेंट शो द इंटायर पार्टीशन, और इट डजेंट डील विद व्हाट हैपेंड एंटायरली इन द पार्टीशन, इट शोज व्हाट हैपेंड टू वन ग्रुप ऑफ पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन। राजा हिंदुस्तानी, रंगीला, गुलाम, क्या ये कहना ठीक होगा कि ये सारे कैरेक्टर्स एक ही कैरेक्टर के एक्सटेंशन थे? मेरे माइंड में कोई लार्जर पिक्चर नहीं है कि मैं जो 10 रोल कर रहा हूँ या उनमें कोई कनेक्शन होना चाहिए। मैं हर फिल्म को आइसोलेशन में देखता हूँ, हर स्क्रिप्ट को आइसोलेशन में देखता हूँ, हर रोल को आइसोलेशन में देखता हूँ। तो जब मुझे कोई कहानी पसंद आती है, उसमें रोल पसंद आता है, वो मैं करता हूँ, उसका कोई मेरी पिछली फिल्म से कनेक्शन होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं। आजकल एक ही नाम यानी खान सारी फिल्म इंडस्ट्री पर छाया हुआ है, आपको कैसा लगता है? क्या आप लोग राइवल्स हैं? नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कई स्टार्स हैं इंडस्ट्री में, कई रहे हैं और आगे भी कई आएंगे। इस वक्त
बाय कोइंसिडेंस जो तीन एक्टर्स हैं जो कामयाब हैं वो उनका नाम एक है बट अदर देन दैट देयर इज नो आई मीन देयर इज नथिंग टू फील अबाउट इट. आमिर, आपके अब दो बच्चे हैं, क्या उनकी परवरिश के लिए आप समय निकाल पाते हैं? क्या यही वजह है कि आप सिर्फ एक फिल्म करते हैं? उनकी परवरिश में जितना वक्त मुझे बिताना चाहिए उतना नहीं बिता पाता मैं. कम फिल्में मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि फिर और कम वक्त होगा मेरे पास.